हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, जितने भी स्टूडेंट्स ने यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा दिया है वो सभी छात्र काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होने का इंतजार कर रहे हैं। यूपी बीएड के कैंडिडेट के लिए बड़ी खबर है। आप सभी को पहले से ही कुछ दिन पहले से ही जानकारी मिली थी कि 5 अगस्त से काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी यूपी बीएड की, तो फाइनली आज है 4 अगस्त और आप में से सभी सारे स्टूडेंट जो हैं बिल्कुल रेडी हैं काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए, कॉलेज चूज करने के लिए। तो यूपी बीएड काउंसलिंग को लेकर आज एक बहुत बड़ी खबर निकल के आई है। फाइनली दोस्तों, आपको विथ प्रूफ सब कुछ क्लियरली बताने वाला हूं कि कल आपका काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगा या नहीं होगा, और शुरू होगा तो कितने बजे से स्टार्ट होगा, और या फिर जब स्टार्ट होगा तो सबसे पहले कौन कौन स्टूडेंट काउंसलिंग में भाग ले सकेंगे, यानी फर्स्ट फेज में कौन कौन स्टूडेंट काउंसलिंग करा सकते हैं, क्योंकि रैंक वाइज होती है ना। तो मैं अभी आपको बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपके रैंक अकॉर्डिंग आपको कौन से राउंड में या कौन से फेज में काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो यह बताना चाहूंगा, सभी यूपी बीएड कैंडिडेट के लिए एक जानकारी है कि जितने भी कैंडिडेट यूपी बीएड में बैठे थे उन सभी को इस बार यूपी बीएड में एडमिशन मिल जाएगा। हर एक स्टूडेंट जिसने एग्जाम दिया है, इंटरेस्टेड है, इस बार केवल काउंसलिंग एक समझ लीजिए, कॉलेज अपने पसंद का लेने का केवल एक प्रक्रिया है बस। इस बार ये संशय, ये डर खत्म है कि मुझे काउंसलिंग में कोई कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे बिहार बीएड में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, इस बार यूपी बीएड में नहीं है। रीज़न ये है कि फॉर्म तो आए हैं लेकिन नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पर अधिक हैं। जितने आवेदन आए थे उतने ही लगभग सीट अवेलेबल थे, और जितने आवेदन आए थे उससे कम बच्चे परीक्षा में बैठे। तो इसके कारण आपका जो एडमिशन है वो हर हाल में, हर एक बच्चे का, किसी का एक नंबर भी आया है उस स्टूडेंट का भी यूपी बीएड में एडमिशन होगा इस बार। इस बार ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसको एडमिशन नहीं मिलेगा। और आप सभी को पता है कि बीएड करने से ही आपको डायरेक्ट टीचर नहीं बन जाओगे, बीएड तो एक केवल माध्यम है। बीएड के बाद आप जब तक सीटेट परीक्षा को पास नहीं करोगे तब तक आप शिक्षक भर्ती में नहीं बैठ सकते हो। आपकी डिग्री, आपका बीएड बेकार है, किसी काम का नहीं है अगर आप सीटेट परीक्षा को क्वालिफाई नहीं कर पाते हो। और आप सभी को ये भी बता दूं, जिसको पता है ठीक है, नहीं पता तो बताना चाहूँगा कि आप बीएड में इस सत्र में अगर एडमिशन ले रहे हो तो जो इस बार सीटेट का एग्ज़ाम दिसंबर में होने जा रहा है, जिसका फॉर्म अगस्त के अंतिम सप्ताह में इसी महीने में आ जाएगा, उस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं आप सभी कैंडिडेट जो यूपी बीएड में इस बार एडमिशन लेने जा रहे हैं। वो दिसंबर सीटेट के लिए एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। और मेरे दोस्त, अगर आप बीएड के साथ साथ सीटेट को क्लियर कर लोगे फर्स्ट अटेम्प्ट में तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओगे, केवल बीएड कंप्लीट करोगे साथ साथ आप सुपर टेट की भी तैयारी शुरू कर दोगे अगर आप सीटेट पहले से ही पास रहोगे। वरना बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि बीएड जब कंप्लीट हो जाता है तब सीटेट में बैठते हैं, तो उनका टाइम ही वेस्ट हो रहा है ना। आप बीएड जब सरकार ने अलाउ किया है कि आप बीएड में एडमिशन लेते ही आप सीटेट अगर आप पास कर लेते हो तो आपका वो वैलिड रहेगा, मान रहेगा, तो सीटेट की भी तैयारी शुरू की जा रही है। फॉर्म इसी महीने में आएगा। जितने भी नए बच्चे इस बार एडमिशन लेने जा रहे हैं सीटेट की पढ़ाई अभी से शुरू कर दो। दिसंबर में परीक्षा होगी, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा, फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपका सीटेट भी क्लियर हो जाएगा, तो ये बहुत बढ़िया बात रहेगी। फिर आप सुपर टेट की तैयारी करना। सीटेट में पेपर 2 बीएड वालों के लिए होता है और डीएलएड वालों के लिए पेपर 1 होता है। हालांकि डीएलएड वाले पेपर 1 और पेपर 2 दोनों डाल सकते हैं, लेकिन यूपी बीएड या बीएड के कैंडिडेट जो हैं वो केवल पेपर 2 दे सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों, हमारे द्वारा नोट्स भी तैयार कर दिया गया, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना चाहते हो, फंसना नहीं चाहते हो फालतू में, बार बार अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हो, तो एक अटेम्प्ट में सही तैयारी, सही रणनीति अगर आप फॉलो करोगे, हमारे द्वारा जो नोट्स तैयार किया गया है बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर, जो दिसंबर 2024 में एग्जाम होने जा रहा है सीटेट का, उसका कंप्लीट सिलेबस का थ्योरी प्लस प्रीवियस पेपर प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब कुछ इसमें दिया गया है। कीमत मात्र 199 रुपीज है। तो भैया, बेस्ट नोट्स अगर आपको पहले ही मिल जाए तो क्यों आप 400-500 रुपए की फालतू किताबें खरीदो, है ना, उससे पास भी नहीं होते बच्चे और फंस जाते हैं। तो इस नोट्स को पढ़िए, इसमें थ्योरी भी दिया गया, इमेज भी दिया गया, प्रीवियस क्वेश्चन भी दिया गया, प्रैक्टिस सेट सब कुछ मिल जाएगा। कीमत मात्र 199 रुपीज है। पेपर 2 और पेपर 1 दोनों का नोट्स अवेलेबल है, जो भी चाहिए मिल जाएगा। नोट्स को लेने के लिए क्या करना, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, अभी ले लो भैया। बीएड में अगर एडमिशन लेने जा रहे हो, और आपको मैंने बता दिया कि जितने भी यूपी बीएड के सभी का एडमिशन हो जाएगा इस बार, कोई बच्चा ऐसा नहीं जिसका एडमिशन ना हो, तो जब पहले से ही पता है तो क्यों ना सीटेट की तैयारी करो, क्यों टाइम वेस्ट आप कर रहे हो। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप लोग नोट्स का सैंपल देख सकते हो, नोट्स पसंद आए तब लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 199 रुपए का नोट्स है, आप व्हाट्सएप पर मैसेज करो कि सर पेपर 2 का नोट्स चाहिए, जो भी सब्जेक्ट चाहिए, सोशल साइंस, साइंस, मैथ, आप मैसेज करो, आपको सैंपल दिखाऊंगा, सैंपल पसंद आए तो आप तुरंत पेमेंट करके इसको ले लेना और आज ही पढ़ना शुरू कर दो। आते हैं खबर पर दोस्तों। तो यहाँ पर आपको कुछ दिन पहले निकल के आया था खबर कि 5 अगस्त से प्रस्तावित है यूपी बीएड की काउंसलिंग प्रक्रिया। हालांकि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय जो इस बार कंडक्ट कराया है यूपी बीएड को, उन्हीं का जिम्मेवारी है काउंसलिंग प्रक्रिया को भी कराने की।
काउंसलिंग प्रक्रिया का पूरा कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है, पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की तरफ से। लेकिन अड़चन ये है, आप सभी को पता है कि यूपी बीएड में अपेयरिंग कैंडिडेट को भी मौका दिया जाता है एंट्रेंस एग्जाम देने का। अपेयरिंग कैंडिडेट यानी कि जो बीए यानी ग्रेजुएशन के जो फाइनल ईयर में स्टूडेंट थे जिनका एग्जाम नहीं हुआ था, उनको भी फॉर्म भरने का मौका और परीक्षा देने का मौका दिया गया था। तो अब काउंसलिंग प्रक्रिया में यह शर्त रखा गया था कि काउंसलिंग तक आपको आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, तभी आप काउंसलिंग में भाग ले सकते हो। तो लाखों छात्र ऐसे हैं जो फाइनल ईयर वाले हैं जिनका रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो जब तक सभी विश्वविद्यालय का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाता तब तक काउंसलिंग नहीं करा सकता है यूपी बीएड का। तो इसीलिए भाई कुछ विश्वविद्यालय कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आने की वजह से काउंसलिंग प्रक्रिया बार बार डिले हो रही है। और 5 अगस्त निर्धारित किया गया था, लेकिन आज एक बड़ी खबर निकल के आई है बीएड काउंसलिंग की तिथि टली ऐसा को लेकर। देख सकते हैं शासन ने शनिवार तक बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को बीएड की काउंसलिंग 5 अगस्त से कराने की अनुमति नहीं दी। इसकी वजह बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी समेत कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा स्नातक अंतिम वर्ष का नाम जारी न करना है। कुल सचिव का कहना है कि अब 5 अगस्त से काउंसलिंग संभव नहीं है। जी हां दोस्तों, ये बहुत ज्यादा डिले होता जा रहा है। हालांकि एडमिशन तो आपका होगा ही होगा, मैंने आपको बताया कि जितने कैंडिडेट नहीं है उतने से उससे ज़्यादा सीटें अवेलेबल हैं यूपी बीएड में। तो ये निश्चित नहीं कि एडमिशन नहीं होगा, एडमिशन सबका हो जाएगा, काउंसलिंग प्रक्रिया में 1 हफ्ते डिले हो जाएगा ये बताया गया है। बुंदेलखंड के कुलपति प्रोफेसर मुकेश पांडे ने शासन को 5 अगस्त से काउंसलिंग कराने का कार्यक्रम भेजा था। पहले चरण की काउंसलिंग 5 से 22 अगस्त, पहले चरण। अब पहले चरण में कौन कौन आएगा आप सुन लो आप लोग कि आपके कौन से चरण में होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर आपका स्टेट रैंक 1 से लेकर 75,000 के बीच में है तो आपका काउंसलिंग फर्स्ट फेज में होगा, और फर्स्ट फेज जो था वो स्टार्ट होने वाला था 5 से 22 अगस्त के बीच में। हालांकि डेट अब ये चेंज हो जाएगी, लेकिन फर्स्ट फेज में कौन कौन आएगा, फर्स्ट फेज में 1 से लेकर 75,000 के अंदर जिसका स्टेट रैंक है, कैटेगरी रैंक नहीं स्टेट रैंक, जिसका 1 से 75,000 के बीच में है उनका फर्स्ट फेज में आएगा। सेकेंड फेज में जो ऐसे छात्रों का आएगा जिनका स्टेट रैंक 75,001 से लेकर 1.5 लाख के बीच में है, ठीक है, उनका सेकेंड फेज में आएगा। 1.5 या 2 लाख रखा जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद में फिर 2 लाख से 3.5 लाख इस तरीके से होगा। तो 3 फेज में होगा आपका। हालांकि आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो अपना स्टेट रैंक बताकर, सीधा सीधा मैं आपको बता दूंगा कि आपका कौन से रैंक में कौन से फेज में होगा। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, मैसेज कर दें, और आपको अपडेट भी देता रहूंगा जब भी काउंसलिंग प्रक्रिया आपकी शुरू होगी, रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, सब मैं बताता भी रहूंगा कौन सा कॉलेज चूज करें, कौन सा बेस्ट कॉलेज है। आप मुझे फॉलो जरूर कर लें, और आप लोग अपना स्टेट रैंक बताकर पूछ भी सकते हो कि किस फेज में मेरा काउंसलिंग होगा। इसके साथ साथ हमारे प्रोफाइल पे जाओगे इंस्टाग्राम पे तो एक बीएड स्टूडेंट नाम का ग्रुप भी बनाया है, इस ग्रुप का भी ज्वाइन कर लेना। इसमें आपको सारे अपडेट, बेस्ट कॉलेज की लिस्ट, गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट, प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट सब आपको भेजता रहूंगा। तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, यहाँ पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेंगे उसकी भी लिस्ट भेज दूंगा, ठीक है। तो बीएड स्टूडेंट ग्रुप ज्वाइन कर लो हमारे इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पे जाकर, और अगर आप अपना स्टेट रैंक बताकर आप ये पूछना चाहते हो कि किस फेज में मेरा काउंसलिंग होगा, तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज जरूर कर देना। तो भाई यही अपडेट थी 5 अगस्त के। हालांकि कल से काउंसलिंग प्रक्रिया नहीं शुरू होगी आपकी, 1 हफ्ते और डिले होगा, और ये उम्मीद है कि 10 से 15 अगस्त के बीच में आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया हर हाल में शुरू हो जाएगी। तो ये पहली बार नहीं, हर बार ऐसे वेट करना पड़ता छात्रों को, क्योंकि यूपी में अपेयरिंग कैंडिडेट को मौका दिया जाता है। अब अपेयरिंग कैंडिडेट के लिए वेट भी करना पड़ेगा भाई, जब अगर मौका दिया है तो उनको समय भी देना पड़ेगा रिजल्ट आ जाने का उनका, ठीक है। यही कारण है कि आपका जो काउंसलिंग वो डिले हो रहा है। हालांकि आप लोग सीटेट की तैयारी शुरू कर दीजिए, अगर आप एडमिशन के इच्छुक हैं इस बार तो एडमिशन तो हो ही जाएगा, तो परीक्षा सीटेट की तैयारी करें। और सीटेट के नोट्स के लिए आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं। हालांकि अभी लेने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सिर्फ 500 छात्रों के लिए इसकी कीमत 199 रखा गया, इसके बाद इसकी कीमत बढ़ा दी जाएगी। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स को परचेज कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो का एंड तक देखने के लिए।